थाना पुलिस मनीमाजरा में पहली बार सभी पुलिस अधिकारियों और बीट पुलिस के साथ आगामी लोकसभा चुनाव मद्देनजर इलेक्शन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ की एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मनीमाजरा थाना प्रभारी रामदयाल द्वारा रखी गई इस बैठक का उद्देश्य लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक करवाने के लिए दो विभाग के स्टाफ तालमेल बनकर काम करना था। इसके दोनों विभाग के अधिकारी एरिया के सभी नॉन सेंसिटिव बूथों पर नजर रखेंगे। इस बैठक में नॉर्थ ईस्ट डिवीजन के डीएसपी पी अभिनंदन ने भी पुलिस स्टाफ को चुनाव पुलिस कार्य प्रणाली की योजना के बारे में अवगत करवाया। दोनों विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में इलेक्शन कमिश्नर और पुलिस विभाग के साथ मिलकर शहर के संदिग्ध बूथ और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखकर उन पर कार्रवाई करने की योजना बनाई गई, जिसमें बीट पुलिस स्टाफ इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के साथ मिलकर उनके बूथ क्षेत्र में आने वाले क्रिमिनल लोगों पर नजर रखेंगे। यही नहीं, पुलिस द्वारा अपने अपने बीट एरिया में इलेक्शन अधिकारियों के साथ मिलकर जो लोग यहां से छोड़कर जा चुके हैं या जिन लोगों की जाली वोट अभी भी यहां पर बनी हुई है उनको रद्द करने का भी एक कार्य रहेगा। इस मीटिंग में इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से AERO राम सुंदर यादव ने पुलिस अधिकारियों को आने वाला लोकसभा चुनाव के लिए सुझाव दिए और उनके साथ BLO सुनील वर्मा भी मौजूद थे। दोनों अधिकारियों ने बताया कि मनीमाजरा थाना क्षेत्र में 48 बूथ में वोटर सेंटर है, जिसमें 14 पोलिंग लोकेशन, जिसमें 8 गवर्नमेंट स्कूल, 4 प्राइवेट स्कूल और 2 कम्युनिटी सेंटर है। तो वहीं AERO राम सुंदर यादव ने बताया कि मनीमाजरा में अभी भी BLO सुनील वर्मा की देखरेख में वोट बनाने या वोट ट्रांसफर करने का काम चल रहा है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति मनीमाजरा स्थित नगर निगम सब ऑफिस में संपर्क सेंटर के साथ सुबह 10:30 बजे से 5:30 बजे तक आकर अपनी नई वोट बना सकता है या उसकी ट्रांसफर भी करवा सकता है। उन्होंने बताया कि इसके लिए इलेक्शन डिपार्टमेंट की पूरी टीम वहां तैनात रहती है। तो वही पुलिस विभाग ने ये भी योजना बना ली है कि कौन कौन लोग इस चुनाव में खराबी कर सकते हैं, उन पर कैसे नजर रखकर काबू पाना है। सर, जो आज क्या कुछ रखा गया सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? आज की मीटिंग जो थी सर, मैसेज साहब ने और हमारे जो थानेदार साहब ने यहाँ रखाया था, इसमें हमारे BLO और जो बीट का जो इंचार्ज है और बीट के जो मतलब इम्प्लाइज है उनके लिए, मनीमाजरा बीट के लिए क्या कुछ विशेष तौर पे था कि भाई मतलब जो हमारे BLO और जो बीट का जो इस जो भी अपना मनीमाजरा के एरिया का है, उनको दोनों के तालमेल के लिए कि भाई मतलब हमारा इस जो 2024 का जो इलेक्शन है, तो इस इलेक्शन में जो सही तरीके से वोट डाला जाए और किसी तरह के कोई मतलब यहाँ पे मतलब किसी भी तरह के मतलब यहाँ पे संबंधित एरिया में किसी तरह गड़बड़ी ना कोई पाई जाए, तो इनके लिए जो है ना सर ने मतलब एक मीटिंग बुलाया था। और इस मीटिंग में जो मैं आया तो इसमें मैं ज़्यादातर सभी साथी से ये भी बताया कि भाई मतलब कि भाई आपका जो वोट नहीं बना हुआ है किसी का, तो आप अपना वोट भी बनवाइए। वोट सबका अधिकार है, वोट बनाना भी सबका अधिकार है और वोट डालना भी सबका अधिकार। कुछ आपने ऐप के बारे में भी बताया गया था, ऐप के बारे में तो ऐसा है कि एक तो हमारे BLO होता है, BLO के BLO ऐप है और जो आम आदमी जो आम पब्लिक है कोई भी है, वोटर हेल्पलाइन पर अपना वोट जो है ना अप्लाई करवा सकता है। और वोटर हेल्पलाइन पे सबसे आसान तरीका है कि भी अपना वोटर हेल्पलाइन प्ले पे जा करके वोटर हेल्पलाइन डाउनलोड करें और उसमें अपना वोट जो है ना रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरें। नए के लिए हमने बताया सर को 6 नंबर भरा जाए, जो नए वोटर है उनके 6 नंबर फॉर्म भरने के लिए मैं कह रहा हूँ। और जिन्होंने अपना नाम में किसी तरह की त्रुटि है, मान लो कोई तरह के करेक्शन हो, तो उनके लिए मैं 8 नंबर फार्म के लिए मतलब सभी को बताया गया कि भाई मतलब आप 8 नंबर फार्म भरिए। और 8 नंबर फार्म भरने से आपका मान लो फोटो में गलती है या किसी प्रकार के मतलब आपकी क्या कहते हैं मतलब कई में होता है डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है, किसी में फ़ोटो में मिसिंग हो जाती है, तो उनके लिए मैंने 8 नंबर फार्म बोला। एक कई का मिस हो जाता है, वोटर कार्ड गुम हो जाता है, नहीं मिलता है, तो उनके लिए भी मैं सभी से यही राय बताया कि भाई मतलब आप अपना वोटर हेल्पलाइन पे ही डुप्लीकेट के लिए DDR की कॉपी या FIR की कॉपी दे करके फोटो लगा करके अपना एक वोटर कार्ड जो है ना अप्लाई कर सकते हैं वोटर हेल्पलाइन से। अगर कोई अगर बहुत अगर ज़रूरी है, दिक्कत है, अगर वोटर हेल्पलाइन नहीं चलता या किसी तरह से दिक्कत आती है, तो हमारे ERO 05 के ऑफिस है मनीमाजरा,
सब ऑफिस मनी माजरा, यहाँ हमारे बीएलओ सुपरवाइजर और ऑफिस बीएलओ और यहाँ पे हमारे डीओ वगैरह बैठे हुए हैं, साथ के साथ ही वो वोटर हेल्पलाइन पे भी और अपने डीओ आईडी से उनको रजिस्ट्रेशन में डाल देते हैं। उनके बाद हमारे बीएलओ का काम आता है, बीएलओ जो है ना डोर टू डोर जा कर के जहाँ भी उनकी फार्म रजिस्ट्रेशन में आती है उस घर में जा कर के हमारे बीएलओ वेरिफिकेशन करके हमें सर्टिफाइड कर देते हैं कि भाई मैंने सर्टिफाइड कर दिया। सर अज की जी मीटिंग थी सर किस मुद्दे को लेके सी उसके बारे दसो। अज की मीटिंग साड़ी इलेक्शन की प्रैपरेशन जी है कमिंग इलेक्शन है लोक सभा का, उहदे लई असी बीट लैवल ते प्लस बीट नू बूथ नाल किवें अटैच कर सकते हैं, व्हाट इज द प्रोसैस ऑफ बूथ, जिहड़े बी एल ओ ने ओह की उन्हां दी रिक्वायरमेंट आ, जिहड़े साडे बी एल ओ तों उपर हैगे ने लोकेशनस जिथे कई बूथ ने एक लोकेशन दे उत्ते, ओह लोकेशन दी रिक्वायरमेंट की आ, उत्थे कोई द्वार वगैरह जां होर कोई चीज़ इदा की तो नहीं है जिन्हों असी रिपेयर कराइए जर रेप्रीमेंशन करिए कि ठीक हो जाए, उस दिन इदा का कोई जो पहला एवें का कोई इशू ना बने जोड़ा कि ऑन द स्पॉट तो पहला असी टैकल कर सकते हैं, यदि प्रैपरेशन सी जिदे मिस्टर यादव आए थे साढ़े, उन्होंने पूरा जोड़ा मनी माजरा प्लस यह इंदिरा कलोनी का इंचार्ज ने, वो उन्होंने सुनील वर्मा आए थे जिहड़े 48 बूथ साढ़े मनी माजरा पुलिस स्टेशन च पेंदे ने, उन्होंने वो इंचार्ज ने प्लस ये जिहड़ियां 14 लोकेशन ने टोटल 8 गवर्नमेंट स्कूल ने 4 प्राइवेट स्कूल ने 2 साढ़े एम सी दे ऑफिस ने कम्यूनिटी ऑफिस कम्यूनिटी सेंटर, ये 14 लोकेशन के उत्ते जिन्हें बूथ ने 48 और 46,000 समथिंग वोटर नू ओहो डील करते ने, उन्होंने ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਬੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੀ ਐਲ ਓ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 48 ਬੀ ਐਲ ਓ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹਰ ਬੀ ਐਲ ਓ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬੀਟ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਐਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਐਪ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੀਟ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਟਅਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪਲੱਸ ਸਾਡੀਆਂ ਐਪੀਹੈਂਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪੀਸਫੁੱਲ ਔਰ ਵਧੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕੀਏ, ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਵੋਟ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਐਟ ਹੋਮ ਜਾਂ ਵੀ केयर फॉर द पब्लिक मैसेज जिहड़ा साडा स्प्रैड होवे, दिस वॉज द बेसिक मोटिव ऑफ दिस मीटिंग। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।